नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आज से मछली पकड़ना हुआ प्रतिबंधित। एक साल के भीतर 6 जिलों में ब्लड बैंक और 2 जिलों में बनेंगे डे केयर सेंटर। बिहार का नया हीट स्पॉट बना ये जिला। उत्तर बिहार की नदियों में उफान। बिहार में बढ़े कोरोना एक्टिव केस के मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आज से मछली पकड़ना हुआ प्रतिबंधित। बिहार में 15 जून यानी कि आज से 15 अगस्त तक यानी कि 2 महीने तक आप मछली का शिकार नहीं कर सकते हैं। दरअसल हर साल बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत 2 महीने मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहता है। इस साल भी मछलियों के प्रजनन में सुविधा के लिए ये रोक लगाई गई है। अगर प्रजनन के समय मछलियों का शिकार हो जाता है तो इससे जलाशय में उनकी संख्या खत्म होने का खतरा रहता है। इसी को देखते हुए बिहार में आज से 2 महीने तक मछली पकड़ने यानी कि मछलियों के शिकार पर रोक रहेगी। ऐसे में 15 अगस्त तक राज्य के सभी सदाबहार नदियों में मछुआरे मछली नहीं पकड़ सकेंगे। इससे प्रदेश में मछली उत्पादन प्रभावित होगा। एक साल के भीतर 6 जिलों में ब्लड बैंक और 2 जिलों में बनेंगे डे केयर सेंटर। बीते दिन बिहार सहित देश विदेश में लोगों ने विश्व रक्तदान दिवस के तौर पर मनाया है। इस दिन लोगों ने रक्तदान करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के 6 जिलों के 7 अस्पतालों में ब्लड बैंक और 2 जिलों में डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। एक साल के अंदर पटना, दरभंगा, शिवहर, गया, सुपौल, मोतिहारी और दरभंगा जिले में ब्लड बैंक खोले जाएंगे। साथ ही गया और भागलपुर में डे केयर सेंटर भी जल्द शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल और गया, सुपौल, मोतिहारी और दरभंगा के सदर अस्पताल में अगले एक साल के भीतर ब्लड बैंक बनेंगे। उत्तर बिहार की नदियों में उफान। दक्षिण बिहार की नदियों में नहीं बची जान। नेपाल में हो रही बारिश का प्रकोप बिहार वासियों को भुगतना पड़ रहा है। बिहार में सही तरीके से मॉनसून का आगमन भी नहीं हुआ, लेकिन बिहार की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार में कई नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि बिहार में पर्याप्त बारिश नहीं होने की वजह से करीब 24 प्रमुख नदियां सूख चुकी है। इनके अलावा 22 नदियां ऐसी हैं जिनमें पानी ठहर गया है, उनमें कोई बहाव नहीं है। खासकर दक्षिण बिहार की नदियों का हाल बहुत खराब है। नदियों में कुछ जगहों पर तो एक बूंद भी पानी नहीं है और जहां पानी है वहां भी बहुत कम है। अगर मॉनसून में औसत बारिश नहीं हुई तो आने वाले समय में और भी बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। अभी भी लोगों को मॉनसून का इंतजार है। पीपा पुल पर आज से आवागमन हुआ बंद। मॉनसून का महीना आ गया है, इस दौरान गंगा नदी का जल स्तर भी बढ़ता है। इसको देखते हुए ही बिहार में गंगा नदी पर बने पीपा पुल पर आवागमन को आज से बंद कर दिया गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के तहत पटना और वैशाली जिले में गंगा नदी पर कच्ची दरगाह रुस्तमपुर राधोपुर वैशाली के बीच मौजूदा पीपा पुल पर किसी भी तरह के आवागमन पैदल या गाड़ी पर रोक रहेगी। इस तरह गयासपुर, काला दियारा और सारण जिले में स्थिति दानापुर, पानापुर, पीपा पुल पर भी बुधवार से आगमन और यातायात बंद रहेगा। वहीं मॉनसून खत्म होने के बाद जब नदी का जल स्तर कम होता है, इसके बाद इन पुलों पर आवागमन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का किया ऐलान। मधेपुरा से पंजाब जा रही बस के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में NH 28 पर दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की जान चली गई, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर पीड़ित परिवारों के परिजनों के लिए शोक व्यक्त किया है। साथ ही उनके परिवार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा देने की बात तक कह दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्यपुरा से पंजाब जा रही बस की कुशीनगर उत्तर प्रदेश में NH 28 पर हुई दुर्घटना में 4 लोगों की जान जाना दुखद है। मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने और घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया गया है। ईश्वर शोक संतप्त परिवारों को धैर्य धारण करने की शक्ति दे। राजधानी पटना में 6 नगर निकायों के गठन को मिला अंतिम रूप। बिहार में नगर निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इससे पहले उनके पुनर्गठन के साथ नए वार्डों का गठन भी किया जा रहा है। इस बीच राजधानी पटना में 6 नगर निकाय गठित किए गए हैं, जिनमें आने वाले वार्ड को अंतिम रूप दे दिया गया है। आपको बता दें कि इन निकायों में कुल 148 वार्ड तैयार किए गए हैं। इन वार्डों में इस बार नगर निकाय चुनाव का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में आपको बता दें कि राजधानी पटना में अब 16 नगर निकाय है जो कि नवगठित है और यहां इस बार चुनाव होना है। इससे पटना नगर निगम, नगर परिषद बाढ़, खगौल, दानापुर, मोकामा, फुलवारी शरीफ, बख्तियारपुर, फतुहा, बेहटा, संपतचक, मसौढ़ी, पालीगंज, नगर पंचायत मनेर और पुनपुन शामिल है। बिहार पुलिसकर्मियों के तबादले का आदेश हुआ रद्द।
लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर सभी को झटका लगा है। बिहार पुलिस ने 2 साल पहले जारी सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के तबादले संबंधी आदेश को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि इनके तबादले से संबंधित आदेश साल 2020 में तत्कालीन डीजीपी ने दिया था। अब मौजूदा डीजीपी एसके सिंघल ने उस आदेश को रद्द करने का फैसला लिया है। इस संबंध में फरमान भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार पुलिस का पूर्व में जारी तबादले का आदेश भी रद्द करने की वजह डीजीपी ने ये बताई है कि उसमें राज्य सरकार की सहमति नहीं थी। भीषण गर्मी से बच्चे पड़ रहे हैं बीमार। बिहार का दक्षिणी इलाका भीषण गर्मी से त्रस्त है। बारिश के इंतजार में लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। उमस भरी गर्मी ने खासकर बच्चों को परेशान कर दिया है। इस उमस भरी गर्मी में ज्यादातर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको बच्चे को खास ख्याल रखने की नसीहत दी जाती है। पूर्व हवा के प्रवाह के कारण उमस भरी गर्मी से जूझ रहे हैं। उमस भरी गर्मी की वजह से ही बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। और पिछले 3 दिनों की बात करें तो पटना के अस्पतालों में 1500 से अधिक बच्चे पहुंचे हैं और इनमें से 40% से अधिक बच्चों में पेट दर्द, बुखार, हेडेक, भूख ना लगना, डिहाइड्रेशन जैसे मामले मिल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों के बीमार पड़ने का कारण अत्यधिक गर्मी है। बिहार का नया हीट स्पॉट बना ये जिला। बिहार में मौसम की परिस्थितियां दिन ब दिन बदलती जा रही है। बिहार का गया जिला राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कहलाता था, लेकिन अब मौसमी परिस्थितियां ऐसी बदली कि अब तक गया और औरंगाबाद ही भीषण गर्मी के लिए चर्चा में रहते थे, लेकिन इस साल बक्सर सबसे गर्म स्थान को लेकर चर्चा में है। इस साल 1 मार्च से 15 जून तक मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा बार लू का कहर देखा गया है। इसके बाद रोहतास जिला हीट वेव की चपेट में दूसरे नंबर पर रहा। बक्सर में पछुआ हवाओं के जोर से सबसे अधिक गर्मी पड़ी है। हीट वेव की वजह से यहां के स्थानीय लोगों को भयंकर गर्मी का कहर भी झेलना पड़ा है। सेना की अग्निपथ स्कीम का बिहार में हो रहा है प्रदर्शन। सेना की तरफ से 4 साल के लिए युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती करने वाली अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू हो गया है। युवाओं का कहना है कि महज 4 साल के लिए भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन करना है और इसको लेकर बिहार के युवा प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इसकी शुरुआत बक्सर और गया से हो चुकी है। बीते दिन बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पत्थर फेंके तो वहीं मुजफ्फरपुर में लोग सड़कों पर उतर आए। बक्सर में आक्रोशित युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। जानकारी के मुताबिक पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है। इस बीच काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 18 मिनट तक प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रुकी रही। इससे रेल प्रशासन और यात्री परेशान दिखे। जेपी सेतु की आवागमन व्यवस्था में होने जा रहा है बदलाव। राजधानी पटना की जेपी सेतु की आवागमन व्यवस्था में बदलाव होने वाला है। दरअसल दीघा के पास जेपी सेतु के नीचे 8 हाइट गेज लगाने का काम शुरू हो गया है। इसमें जेपी सेतु गंगा पथ के साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे पर अधिक ऊंचाई के वाहन नहीं जा सकेंगे। इतना ही नहीं, जेपी गंगा पथ पर पुल के पास दोनों तरफ क्रॉस बैरियर भी लगाया जाएगा। जेपी सेतु की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने लेटर भी लिखा था। इस लेटर के बाद बीएसआरडीसी ने जेपी सेतु के दोनों लेन में 4-4 हाइट गेज लगाने का काम शुरू कर दिया है। ये काम पूरा होने के बाद ही गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। अपनी ही पार्टी के लोग कर रहे हैं आरसीपी सिंह के इस्तीफे की मांग। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के इस्तीफे की मांग अब उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने कर दिया है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह के इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि आरसीपी सिंह को नैतिकता के आधार पर केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन आरसीपी सिंह के 4 करीबियों की पार्टी से बर्खास्तगी के बाद अपनी प्रतिक्रिया देने के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि 7 जुलाई के बाद आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। तेज प्रताप ने अपने घर में हुई चोरी की दर्ज कराई प्राथमिकी। राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के घर में चोरी की वारदात सामने आई है। ऐसा तेज प्रताप के प्राथमिकी दर्ज कराने से पता चला है। तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाने में इसकी जानकारी देते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। ये घटना तेज प्रताप के 2 एमस्ट्रांड रोड आवंटित आवास में हुई है। अपनी शिकायत में तेज प्रताप ने बताया है कि किदवईपुरी के PNT कॉलोनी निवासी चंदन कुमार पिता वीरेंद्र प्रताप ने मेरा आईफोन और 3 बैग की चोरी की है। उन्होंने बताया है कि इसके साथ चंदन ने मेरी गाड़ी को भी बुरी तरह से नुकसान किया है। इसके 10 सर्कुलर रोड में आकर भी गाली गलौज। नीरज चोपड़ा ने किया दूसरा नया कारनामा। टोक्यो ओलंपिक में सबसे दूर भाला फेंक कर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से एक नया कारनामा करके दिखाया है। नीरज ने फिनलैंड में पावो नुर्मी गेम्स में बीते दिन दूसरे प्रयास में 89.30 का थ्रो किया, जो कि अब तक उनका निजी सर्वश्रेष्ठ थ्रो बन गया है। उन्होंने पहले प्रयास में 86.92 मीटर थ्रो किया था। नीरज के तीसरे, चौथे और पांचवे प्रयास अमान्य रहे। नीरज ने अपने आखिरी प्रयास में 85.85 मीटर के थ्रो के साथ समापन किया। नीरज ने भले ही अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन वो फिनलैंड के ओलिवियर
हिलांडेर से पीछे रहकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जिससे उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। वहीं हिलांडेर ने 89.93 मीटर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। बिहार में बढ़े कोरोना एक्टिव केस के मामले। देश भर में कोरोना के मामलों में आज के रिपोर्ट के अनुसार फिर बढ़त दिखाई दी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 8,822 नए मामले सामने आए हैं, जो कि बीते दिन जारी किए गए आंकड़ों के मुकाबले ज्यादा है। वहीं बिहार में भी कोरोना के एक्टिव केस के मामलों में वृद्धि हो रही है। कोरोना एक्टिव केस की संख्या बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 135 पर पहुंच गई है। वहीं राज्य भर में 1,33,019 कोरोना के सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में 26 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें राजधानी पटना में सबसे अधिक 17 मामले मिले हैं। गया, मध्यपुरा में 2-2 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई, तो वहीं खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण और सारण में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नुनू कुमार, रवि दीवाना, कविता कुमारी, कुश कुमार यादव, पवन, सुजय कुमार, शंकर मुखिया, दिलीप राम, नंद कुमार सिंह, पप्पू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बढ़ते कोरोना एक्टिव केस के मामले को देखते हुए क्या आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।